हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कंफर्म एमसीयू मूवीज़ के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आ रही हो तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट मारो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट आए। लोगों का कहना ये है कि एमसीयू का फेज 4 कब से स्टार्ट होगा, और एक ने मुझे कमेंट ये किया कि एमसीयू की कोई भी मूवीज़ नहीं आ रही कि अगले साल यानी कि 2020 में। तो मैं शौक हूँ, मतलब इतने सारे यूट्यूबर से सोशल मीडिया पे अगर कोई भी ऑनलाइन होता है तो इतनी नॉर्मल चीज़ तो पता ही होने चाहिए कि 2020 में दो मूवीज़ आ रही है, ब्लैक विडो, इटर्नल्स। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ मूवीज़ के बारे में बताऊँगा कौन कौन सी कन्फर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमसीयू के फेज 4 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमसीयू के फेज 4 की जो पहली मूवी आने वाली है वो है ब्लैक विडो, जो कि आने वाली है 2020 में। और जो सेकंड मूवी है जो 2020 में आने वाली है वो है दी इटर्नल्स। और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि 2020 में एमसीयू सिर्फ हमें दो मूवीज़ दे रहा है, तो ये दो मूवीज़ 2020 में आने वाली है। अब बात करते हैं 2021 की। 2021 की सबसे पहली मूवी जो है वो है शेंगची की, और जो सेकेंड मूवी 2021 की वो है डॉक्टर स्ट्रेंज 2, और जो थर्ड मूवी है वो होगी स्पाइडरमैन 3, और जो फोर्थ मूवी है वो होगी थॉर 4। यानी कि 2021 में एमसीयू हमें चार मूवीज़ देगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि एमसीयू रिलीज़ करेगा। और अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर 2 के बारे में। तो हम सबको पता है कि ब्लैक पैंथर 2 कन्फर्म है, और ब्लैक पैंथर 2 की रिलीज डेट भी कन्फर्म कर दी गई थी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। तो ब्लैक पैंथर 2022 के लिए कन्फर्म है। और अब मैं नेम बताऊंगा कन्फर्म मूवीज़ का, यानी कि उनकी रिलीज डेट और रिलीज ईयर कन्फर्म नहीं है, सिर्फ जो कन्फर्म मूवी है तो उनका मैं नाम बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एंटमैन 3 कन्फर्म है, कैप्टन मार्वल 2 कन्फर्म है, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 कन्फर्म है, ब्लेड भी कन्फर्म है, और फैंटास्टिक 4 भी कन्फर्म है। डेडपूल मेरी तरफ से कन्फर्म है, डेडपूल आएगी ये सबको बताएं, लेकिन अभी तक किसी ने ऑफिशियली नहीं बोला कि कन्फर्म है, यानी कि 2022 या 2023 में दिख सकती है। तो इतनी जो मूवीज़ थी वो कन्फर्म है। बाकी कोई भी मूवीज़ कन्फर्म होती है तो मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन जितनी भी मैंने मूवीज़ बताया बिना रिलीज डेट और बिना रिलीज ईयर वाली, वो कन्फर्म ही है। कैरन फ्राइगी ने कहीं ना कहीं इंटरव्यू में उनका नेम लिया है, तो वो कन्फर्म है। और जितने लोगों को भी फेज 4 के बारे में नहीं पता था, तो उम्मीद है मैंने स्टार्टिंग में फेज 4 की लाइनअप बताई है, आप लोग समझ गए होंगे कि फेज 4 में कितनी मूवीज़ है। 2020 में दो मूवीज़ आएगी, ब्लैक विडो इटर्नल्स। 2021 में चार मूवीज़ आएगी, शेंगची, डॉक्टर स्ट्रेंज 2, स्पाइडरमैन 3, थॉर 4। समझ गए होंगे? समझे हो तो कमेंट करके बताना हाँ समझ गए। वैसे दोस्तों, आप लोग अभी मुझे कमेंट करके बताओ एमसीयू के फेज 5 की लाइनअप। फेज 4 तो थॉर 4 तक कन्फर्म है। अब एमसीयू के फेज 5 यानी कि 2022 में पहली मूवी कौन सी हो सकती है? सेकंड तो कन्फर्म है ब्लैक पैंथर 2, थर्ड कौन सी हो सकती है, फिर 2023 में कौन सी हो सकती है? लाइनअप सोचे हो तो कमेंट करो, अपना ओपिनियन बताओ, किसके पीछे मत बोलो, आगे होके बोलो, अपना ओपिनियन रखो। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ना भूलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो। एमसीयू मास्टर मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन।